वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। बात बीच में याद आ गई, गुरु अर्जन देव जी ने भाई कटारू जी से चार वचन दिए थे, अमृत वेले उठना, दूसरा श्री जपजी साहब जी को वाणी को प्रेम से पढ़ना, प्रेम करना उचित, यानी कि दिन रात जपजी साहब जी की वाणी पढ़ते रहे, तीसरा जब तू तोलेगा तो वजन ज्यादा तोलना, चौथा कोई गरीब आ जाए, कोई जरूरतमंद आ जाए तो जितनी तेरी समर्था है उस समर्था के हिसाब से उसकी मदद कर देना। साथ संगत जी, इस लॉकडाउन के पीरियड में दास ने एक बात नोट की है, क्योंकि गुरु का लंगर जो सेवा चलती है यहाँ पर नानक रोटी की, वो अब भी चल रही है, गुरु की मेहर से चलती रही, गुरु नानक मेहर कभी बंद ना हो, पर एक बात नोट की है साथ संगत जी, कि जो बहुत ही गरीब आदमी है वो तो मांग कर खा लेता है, हाथ फैला देता है, पर जो लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है वो तकलीफ में होते हुए भी हाथ नहीं फैला पाते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, तकलीफ झेल लेते हैं, भूखे रह लेते हैं पर हाथ नहीं फैलाते, एथिक्स होते हैं कईयों के अपने, और वो गुरु भी इसको बढ़ियाई देता है इस चीज़ को। तो मेरे मन में एक बात, कई सालों से मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा था पर समय नहीं मिलता था मुझे, क्योंकि प्रोग्राम्स होते थे, बाहर आना जाना बहुत ज़्यादा, पर अभी समय मिला है तो दास ने उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट से, ये प्रोजेक्ट जो दास करने जा रहे हैं, संगत की आशीष, संगत की कृपा, गुरु नानक की कृपा, संगत की सहयोग से इस प्रोजेक्ट में मिडिल क्लास आदमी की भला भी हो जाएगा, उसकी मदद भी हो जाएगी और उसे पता भी नहीं चलेगा, ना हमें पता चलेगा। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। आप पूछेंगे कैसे, तो दास एक मॉल, एक मार्केट खोलने जा रहा है, जिस मार्केट में गरीब आदमी को बहुत ही सस्ते दामों पर सामान मिलेगा, बहुत ही सस्ते, इतना सस्ते कि वो सोच भी नहीं सकेंगे, क्योंकि साथ संगत जी जब कोई फैक्ट्री से या किसी मिल से माल निकलता है तो उसके बाद स्टॉकिस्ट, होलसेल डीलर, होलसेलर, सब होलसेलर कितने लोगों के पास होते 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 होलसेलर रिटेलर फिर जाके आम आदमी के पास पहुंचता, उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। तो दास ने, क्योंकि संगत बहुत जुड़ी हुई है अमृतवाला ट्रस्ट से, तो दास ने सब लोगों को कॉल किया, जहाँ जहाँ भी लिंक थे सेवादारों को लगाया, जिसका जिसका जो काम है, जो बिजनेस है, दास जो बता रहा है इसलिए बता रहा था कि आप लोग भी सब सुन लो, आप लोगों को भी पता चल जाए, सेवा आप लोगों के लिए भी है। जिसका भी जो बिजनेस है, जो बड़ा बिजनेस है किसी का, कोई मिल है, वो बेसिक कॉस्ट पे अपना प्रॉफिट छोड़कर हमें वो सामान दे, जितने पैसे बनते हैं वो हम देंगे, पे करेंगे, पर बेसिक कॉस्ट पे, उसी कॉस्ट पे हम यहाँ पर मॉल खोल रहे हैं, इसका नाम है अमृत वेला तेरा तेरा स्टोर, क्योंकि गुरु नानक पातशाह का तेरा तेरा तोला था गुरु नानक पातशाह ने, भर भर के दिया था। तो मेरा मन था कि इतना सस्ता सामान गरीब आदमी को मिले कि उसका घर भर जाए, अगर वो कई गुना सस्ता, साथ संगत जी आप अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन की है, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत, गरीब आदमी को बहुत सस्ता मिलेगा, कोई अमीर लेने आ गया उसके लिए रेट्स थोड़े से ज़्यादा होंगे, मार्केट से फिर वो भी कम होंगे, और हमने उसका नाम रखा है बाय ब्लेसिंग्स, कि आप यहाँ पर शॉपिंग करेंगे तो आप केवल सामान नहीं खरीदेंगे, गरीबों की दुआएं भी खरीदेंगे। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मानो कोई अमीर आकर 1000 रुपए की शॉपिंग करता है, बाहर वही शॉपिंग उसकी 1500 की होगी, यहाँ पर 1000 में हो जाएगी, पर उस 1000 से भी अगर कुछ जो बचता है वो सारा का सारा जो गरीब है उनको और दम काम करने में काम आ जाएगा। घर से बोलिए धन गुरु नानक। मानो सब्जी बाजार 80 रुपए किलो है तो गरीब को यहाँ पर 20 रुपए किलो मिल जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब सोचिए कितना फर्क पड़ेगा, कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा, हर चीज में इतना फर्क पड़ेगा, गुरु नानक मेहर करे। दास ये बात इसलिए कह रहा है कि जितने भी लोग, जितने भी संगत सुन रही है देश विदेश से, जहां पे जिसका जो काम है, जो बिजनेस है, हमें अपना सामान आप बेसिक कॉस्ट पे दीजिए ताकि हम यहाँ पर वो सेवा कर सके। और दास का उद्देश्य कभी भी ये नहीं रहता कि उल्लासनगर में केवल ये होगा, जैसे ही यहाँ पर शुरू होगा गुरु नानक मेहर करे हर शहर में ये शुरू हो जाए, जितने स्थान हैं या जहाँ पर भी हो सके। और मकसद एक ही होगा, एक भी पैसा इस यहाँ से कोई प्रॉफिट नहीं कमाया जाएगा, जो भी आएगा वो गरीबों की उसी दुकान पे वो सामान कम कीमत पे करके, क्योंकि जो एकदम गरीब तबका है उनके लिए कार्ड बनाए जाएंगे, वो कार्ड लेकर आएंगे, क्योंकि हर कोई आकर फिर वो सस्ता लेना शुरू कर देगा, दुकानदार भी सोचेंगे हम यहीं से ले लें, इतना सस्ता तो उन्हें मार्केट से भी नहीं मिलेगा, दुकानदारों को भी। इसलिए गरीबों के लिए हम कार्ड बनाएंगे, वो कार्ड लेकर आएंगे जरूरतमंद और उन्हें वो सामान मिल जाएगा, उन्हें हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, गुरु नानक मेहर करें। ये वैसे तो जो जो भी दास ने सोचा है आज तक, गुरु ने कृपा की है वो पूरा किया है,
इसमें लग गए, जमीन ले ली है, सब कुछ हो गया है, अब उसके ऊपर काम चालू है। तो सारी संगत सहयोग देना ज्यादा से ज्यादा। ये जो चार नंबर आपके पास आते हैं हमेशा, इन नंबर्स पे कॉल करके आप बता सकते हैं आप क्या सहायता कर सकते हैं इस मुहिम में। धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।